All right, so let's start. So what do we want to do? We want to sort, and let's call it bubble sort. Integer एक array pass हो रही है और इसका size pass हो रहा है, ठीक है? So we are passed an array और उसका size pass हुआ है. And what do we want to do? We want to sort, okay? So हमने भी जो idea discuss किया था, idea क्या है? Idea ये है कि हम एक i, हम basically हर index में जाते हैं, उसको उससे अगले element से compare करते हैं और हम कहते हैं अगर वो value जो left जो ith index में पड़ी हुई value है वो i plus 1 से ज्यादा है तो हम कर देंगे उनको swap कर देंगे, ठीक है? So for loop यहाँ पे होगा integer i is equal to 0, यहाँ क्या आना चाहिए आप बाद में बताएंगे मुझे, i plus plus. और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए if a i is greater than a i plus 1, ठीक है? तो आप क्या कर देंगे इन दोनों को swap कर देंगे. और swap का एक function already library में available है, आप वो चाहें तो use कर सकते हैं, ठीक है? So far so good, ठीक है? So इन दोनों arrays की value, और बाद में ये जो swap function है ये by reference लेता है, ठीक है? अच्छा, यहां पे कंडीशन क्या आनी चाहिए? ऑफ कोर्स i प्लस 1 जो इंडेक्स है वो आपका मेमोरी से बाहर ना निकले, मतलब i प्लस 1 शुड बी स्मॉलर देन व्हाट साइज, ओके? डज इट मेक सेंस? और ये काम करने से सॉर्टिंग नहीं होगी, ये काम करने से सिर्फ ये होगा कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो अरे का वो एंड पे पहुंच जाएगा. सो मैं आपको दिखाता हूं. सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, मैं यहां पे एक इंटीजर अरे बनाता हूं और उसमें कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो. रैंडम वैल्यूज बोलते जाएं प्लीज, नहीं 1 से 10 के दरमियान में हो, 11 9 9 7 1 6 0 5 5 3 -1 6, ओके? अब अच्छा एक बात सुने, ये मैंने जो काउंट, ये अगर मैं सर इसकी वैल्यूज को काउंट करूं तो एक तरीका मैं काउंटिंग करूं, एक तरीका ये होता है कि मैं यहां पे इंटीजर साइज बनाऊं और मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं साइज ऑफ ए, ये मुझे बाइट्स में बताएगा और इसको डिवाइड बाय कर दूं किससे, साइज ऑफ क्या इंट. जो अरे की एलोकेशन होती है कितने साइज की वो बनी है वो मुझे साइज ऑफ बता देता है. अच्छा ये बात याद रखें कि जब भी हम इस ये साइज ऑफ से कैलकुलेट करेंगे अरे का साइज तो ये आता है जितने अरे के बाइट्स एलोकेटेड होते हैं, ठीक है? अगर 10 साइज की मैंने अरे बनाई है और हर एक एंट्री जो है एक इंटीजर है तो ये 40 आंसर देगा, ओके? और डिवाइड बाय 4 करेंगे जो कि इंट का साइज है तो ये हमारा अरे का साइज आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये कभी भी इस फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा, ओके? उसकी रीजन क्या है आपको कुछ दिनों बाद पता लगेगा, ठीक है? यानी यही साइज ऑफ, ये मैंने साइज ऑफ कैलकुलेट किया है. अगर मैं यहां कैलकुलेट करूंगा तो गलत आएगा, ठीक है? क्योंकि असल में वो जो आप जो लगे से रहा कि वो अरे जा रही है, वो अरे नहीं जा रही होती, वो क्या जाता है, वो बेस एड्रेस जाता है, ओके? उसका बेस एड्रेस है, ठीक है? और जो भी आपने एड्रेस पास किया वो जाएगा, ठीक है? ये ऐसा क्यों होता है अभी कुछ दिन बाद पता लगेगा, ठीक है जी? तो हम यहां पर लिखते हैं बबल सॉर्ट, ठीक है? इसमें हम अरे भेज देते हैं और यहां पर हम साइज भेज देते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स ये गलत है, मैं अभी आपको यहां पर आके इस अरे की वैल्यू दिखा देता हूं, ठीक है? सो अगर आप देखें तो ये आपकी पूरी की पूरी अरे पड़ी हुई है. तो आई होप यू अग्री इस डेटा को देखें तो कौन सबसे एंड में पहुंचेगा, 9 सबसे एंड में पहुंचेगा और 9 सबको पीछे एक शिफ्ट करता जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम पड़ा हुआ है. ये बात समझ आई? या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर 18 रख दू तो क्या होगा, 9 सबको शिफ्ट करता करता पहुंचेगा 18 तक, फिर 18 सबको शिफ्ट करना शुरू कर देगा और कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा. ये बात समझना कि मैं इसको चलाता हूं डीबगर मोड में. चल जा भाई, ये आवाज आ रही है? आपने ज्वाइन नहीं किया आयशा? ज्वाइन नहीं हो रहा? सो लुक एट दिस जी, कैन यू सी दी अरे? ये देखें, ये अरे थी आपके पास, वो 9 सबको शिफ्ट करता करता पहुंचा और फिर
उसने क्या किया कि उसने सिक्स को यहां शिफ्ट किया और अब आप 18 बेसिकली आगे चलना शुरू हो गए, ये बात समझ। और 18 आपका एंड तक बन गया, ये सबको नजर आ रहा है, आपको बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सॉर्टिंग नहीं हुई, ये बेसिकली इसका नाम अभी हमने बबल सॉर्ट रख दिया, लेकिन एक्चुअली ये जो फंक्शन हमने काम किया है इसका नाम बबल सॉर्ट होना नहीं चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम एक्चुअली ये जो मैंने अंदर प्रोसीजर किया है इसका नाम होना चाहिए बबल, एक्चुअली बबल लेफ्ट, बबल राइट, ओके ये बस भाई, ये हम समझते हैं कि राइट नहीं है, वो बबल अप कर रहा है। बबल अप का मतलब है कि वो जो हाईएस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है उसको वो हाईएस्ट इंडेक्स पे लेके जा रहा है, तो लेट्स कॉल इट बबल अप। ये एक्चुअली ये वाला जो प्रोसीजर है, ये जो हमने एक लूप लिखा है, इसको मुझे कहना चाहिए क्या, बबल अप, ओके। हाउ मेनी टाइम आई शुड रिपीट दिस प्रोसेस कि ये सॉर्टिंग हो जाए, साइज माइनस वन था। तो यहां पर हम जाते हैं, यहां पे एक और लूप लगाते हैं, फॉर लूप, क्या हो गया जी, शिफ्ट एफ फाइव, शिफ्ट एफ फाइव, हाउ मेनी टाइम दिस प्रोसीजर शुड बी रिपीटेड जी, फॉर लूप इंटीजर आई, सॉरी टी इज इक्वल टू वन, टी इज टाइम, कितनी दफा मैंने किया है, सो टी इज लेस देन हाउ मच साइज, ठीक है, टी प्लस प्लस, ये बात समझा गई। और यहां पे हम इधर आते हैं और यहां आके, ठीक है, सो अगर टी माइनस, अगर साइज, या इसको मैं इक्वल टू कर देता हूं, दैट इज मोर क्लीनर, साइज माइनस वन, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये इतनी दफा रिपीट होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सॉर्टिंग हो जाएगी। डज इट मेक सेंस, सो लेट मी शो यू। सो मैं एक फंक्शन बना देता हूं जिसका नाम है void print array, ठीक है, इसमें एक इंटीजर अरे पास होती है और एक उसका साइज पास होता है, क्या करें, यहां पे हम एक कैरेक्टर मैसेज भी पास कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे हम const लिख देंगे, ठीक है, और इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट const हियर, व्हाई const हियर, किसी ने अरे को चेंज नहीं करना, तो यहां पे फॉर लूप लगाएंगे, बल्कि पहले हम डिस्प्ले कर देंगे सी आउट मैसेज, ठीक है, और यहां पे हम इक्वल टू डाल के ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, जो भी अरे का नाम आपने लिखना है वो आप लिख दें जी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, यहां पे आते हैं सी आउट जी, एंड ऑफ अरे कहां होती है, एंड ऑफ अरे यहां होती है, ठीक है, बेशक यहां पे यू भी लिखते हैं, ठीक है, यहां पे फॉर लूप लगाते हैं, यहां पर हमने डिस्प्ले करना है सी आउट जी, ए की कौन सी वाली वैल्यू, आई एथ वैल्यू, और साथ ही दरमियान में स्पेस डाल दें, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं, हां जी, प्रिंट अरे, और यहां लिख देते हैं क्या, बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, डॉट 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 बैक स्लैश एन, और यहां लिख देते हैं अरे का नाम, ठीक है, ए, ठीक है, और यहां लिख देते हैं अरे, और यहां लिख देते हैं साइज, ठीक है, और इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, और ये लिख देते हैं क्या, आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, सो कंट्रोल एफ फाइव, सो यू कैन सी दैट। अच्छा, ये क्या गलती है इसके अंदर, वो आप एंडल नहीं डाला, तो एंडल डालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एंडल डाल दें, यहां पे आई थिंक यहां पे डालना चाहिए, तो यहां पे हम बैक स्लैश एन कर देते हैं, तो कंट्रोल एफ फाइव जी, सो बिफोर सॉर्टिंग आपकी ये अरे है और आफ्टर सॉर्टिंग आपकी ये अरे, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ऑल राइट। बट लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, ये जो इनर लूप है ये कहां तक चल रहा है, ये हर दफा साइज तक चल रहा है ना, टी प्लस वन लेस देन साइज तक चल रहा है, मुझे बताया कि जब ये सेकंड टाइम चले तो क्या, मुझे ये बताया, जब हमारा सक्सेस जो है वो शेष पहुंच चुका हुआ था एंड पे,
तो आपका बेटा दूसरे कंपनी का नाम क्या था, आपका नाम क्या था बेटा? हाँ, जैन को बताओ शेख से कंपेयर करने की जरूरत थी जब सेक्स टेस्ट टाइम चल रहा था? नहीं थी जरूरत, ये बात सुन नहीं। एक्चुअली अगली दफा साइज माइनस वन दफा चलना चाहिए था, इन्हें एक कम दफा चलना चाहिए, और अगली दफा जब चले तो एक्चुअली उससे भी पीछे चला चलना चाहिए, है ना? व्हाट शुड वी डू? तो यहां पर बेसिकली ये साइज लिखा हुआ है, व्हाट इफ कि हम ये कर दें साइज, है ना? यहां पे मैं माइनस टी प्लस वन कर दू। माइनस टी प्लस वन का मतलब क्या है? पहली दफा टी की वैल्यू वन है तो ये साइज ही चलेगा, लेकिन अगली दफा टी की वैल्यू कितनी है? टू है, तो ये कितना चलेगा? ये साइज माइनस वन दफा चलेगा। और अगली दफा क्या हुआ? ये साइज माइनस टू माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो ये एक और दफा चलता है। तो इस तरह से आगे चलेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? मैं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हियर। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि हमने किया क्या है। ये बात समझ में? मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। सारे वापस आ गए, बल्कि सारे वापस आ गए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इफ के डेटा पहले ही सॉर्टेड हो? अगर डेटा पहले ही सॉर्टेड हो तो क्या होगा? ये अंदर वाला पार्ट चलेगा, वो कुछ स्वैप करेगा? वो स्वैप नहीं करेगा। अगर बबल अप प्रोसेस, ये जो बबल अप प्रोसेस, ये एक दफा भी चेंज ना करे तो एक्चुअली ऊपर वाले लूप को दोबारा उसको नहीं चलाना चाहिए। आपको ये बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि जब अंदर वाला बबल अप प्रोसेस, अगर बबल अप किसी को बबल अप कर ही नहीं सका तो इसका मतलब क्या है? मतलब डेटा आपका पहले ही सॉर्टेड था। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? यानी अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही पड़ा हुआ है तो आपका जो इनर प्रोसेस है, जो बबल अप है, वो किसी को भी बबल अप नहीं कर सकेगा। एंड द मोमेंट इट इज अनएबल टू डू बबल अप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्चुअली उसको दोबारा चलाने की जरूरत नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, आपको ये प्रोसीजर एक्चुअली कब तक चलाना चाहिए? तब तक कि बबलिंग स्टॉप हो जाए। ये बात समझ में आ गई? बबलिंग स्टॉप हो जाए तब तक हमें इस प्रोसीजर को चलाना चाहिए। ये समझ में आई बात? अब हम वो करने लगे। एंड लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू। सो ये था, लुक एट दिस, मैं क्या करने लगा। बल्कि एक काम करते, ये है, इसको मैं स्टूपिड कह देता हूं, ठीक है? एंड लेट मी गिव यू एनदर इंप्लीमेंटेशन विच इज स्मार्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है? एंड वट इट डज इज द फॉलोइंग। वो कहता है इस लूप को मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहां पे एक काम करता हूं। मैं कहता हूं ये काम करो। काम क्या है? बबलिंग अप। और सवाल ये है कि कितनी दफा बबल अप करना है, ठीक है? तो वे कहता है क्या करो? बबल अप करो। अब सवाल यह है कि बबल अप कब तक करना है? ये बात समझ? एंड लुक एट दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू मेक ए बूलियन वेरिएबल, का नाम होगा चेंज हैपन, ठीक है? मैं डू के फौरन बाद आके एक काम करता हूं, सॉरी, आते के साथ ही चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स कर देता, ठीक है? और इस प्रोसीजर में अगर स्वैप होता है तो हम एक काम और करते हैं, वो ये कि चेंज हैपन को क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं। और क्या करें? वाइल के अंदर लगा देते हैं। क्या? अगर चेंज हैपन हुई है तो मतलब क्या है? कि बबलिंग अभी हो रही है। प्लीज रिपीट दिस प्रोसेस। ये बात समझ गए? तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम लगा देते हैं क्या? ये, ठीक है? जब तक चेंज हैपन हो रही है दोबारा दोबारा चलती रहे, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी पिद्दी सी प्रॉब्लम हो गई है। और प्रॉब्लम क्या हो गई है? कि पहली दफा ये चल रहा था साइज दफा, वो साइज माइनस टी वाला एलिमेंट था, वो टी तो अब लूप खत्म हो गया। तो हमें कहते हैं टी बेसिकली क्या कर रहा है? एक वेरिएबल है जो कि बार बार इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो हमें कहते हैं यहां पर एक इंटीजर टी बना लेते हैं, इंटीजर टी बना लेते हैं। और क्या करें?
सॉरी, और इसको हम बार बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे, या फिर एक और काम कर लेते हैं। ये देखें एक और एक तरीका ये भी हो सकता है, ये मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। इंट टी इज इक्वल टू वन कर देते हैं, और हर लूप के एंड पे हम क्या कर रहे हैं, टी को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। अगर जब अगली दफा चले तो वो साइज माइनस टी प्लस वन दफा चले, ये बात समझ आई, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। बट एक और बड़ी जरूरी बात, वो जरूरी बात यह है कि ये भी हो सकता है कि हम एक वेरिएबल ना बनाएं, मतलब क्या करें, कंट्रोल एक्स कर देते हैं। ये जो हमने ये माइनस ये किया हुआ है ना, इसको हम साइड पे फेंकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम साइज माइनस माइनस कर देते। कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दिस कोड? मैंने साइज में ही माइनस माइनस कर दिया, आप बताएंगे क्या हुआ? यानी पहले दफा वो कहता 10 साइज किया रे, दूसरी दफा कहता है वो 9, भाई आया रे या फिर 9 साइज किया, फिर वो आपको कहता है 8 साइज किया रे। मुझे बताएं जो मेन वाला साइज वेरिएबल था वो खराब नहीं होगा? क्यों खराब नहीं होगा? क्योंकि ये पैरामीटर जो पास हुआ है साइज का, ये क्या पास हुआ है, एज ए वैल्यू पास हुआ है। तो इस साइज में आप चेंजेस कर भी दे, आपका जो मेन साइज है वो उसका एग्जैक्टली वही का वही रहेगा। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस आइडिया, ओके। तो आपको कोई और टी वेरिएबल की जरूरत नहीं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, आमतौर पे मैं आपको बताता हूं, सॉर्टिंग आपको किताबों में भी ऐसे ही मिलेगी कि बबल सॉर्ट होता है, दो नेस्टेड लूप होते हैं, एक वो जो है ना वो आई को आई प्लस वन से कंपेरिजन करो और बस। और यार याद रखना, इसमें से एक लूप जो होता है ना वो माइनस वन दफा चलता है, ठीक है। इस तरह से लोगों ने याद किया होता है, अगर आपने ऐसे याद किया हुआ तो आपने इंतहाई घटिया सोच जो है वो अपने जो है वो अपना लिए, ठीक है। यू शुड नो द रीजंस कि ये जो इनर प्रोसीजर है वो क्या कर रहा है, द इनर प्रोसीजर इज डूइंग बबल अप, ओके। एंड हाउ मेनी टाइम आई हैव टू डू बबल अप, दैट इज द अपर लूप विच विल गोइंग टू हैंडल इट, ओके। और ये जो स्मार्ट चीज है जो कि डू वेल नजर आई, अब किसी भी किताब में नजर नहीं आई, ओके। के और ये कैसे हैंडल कर रहा है कि किसी भी मोमेंट के ऊपर अगर शॉर्टिंग हो चुकी हुई है तो वो अगला एक दफा इटरेट करता है और सुबह कहता है भाई अब आपको कोई चलाने की जरूरत नहीं है दोबारा, ये बात समझ। वर्स्ट केस में ये डू वाइल कितनी दफा चलेगा, ये उसको एन दफा चलाएगा, विच इज फाइन। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड, वे गुड टू गो जी। नहीं, एक जैसी होगी, नहीं भूल, नहीं नहीं इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा है। आप बताएं क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये जिस लेट्स से एक 1 बिलियन साइज की है और वो सॉर्टेड है, तो ये एक दफा चलाएगा बस। और जो दूसरा वाला तरीका है वो तो उसको नेस्टेड लूप पे चला रहा है, वो तो उसको बिलियन टाइम चलाएगा ही चलाएगा, ये नेस्टेड लूप है ना, उसने उसको साइज माइनस वन दफा चलाना ही चलाना है। हाँ वो एक जैसा ही है, वो एक जैसा ही, ठीक है, डजंट मैटर, वो एक जैसा ही, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत चीज बताता हूं, और वो ये जो मैंने काम किया है, ये जो मैंने काम किया बबल अप का है ना, ये जो बबल अप मैंने काम किया, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, लेट्स कॉल इट इवन मोर स्मार्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट द स्मार्ट वन, ओके, लुक एट दिस। इसके लिए मैं एक काम करता हूं और देखते जाइए, देखते जाइए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये जो बबल अप का प्रोसेस है इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, और इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं, इसे नाम देता हूं बूल बबल अप। इसको क्या पास होता है, क्या रे पास होती है और एक साइज पास होता है, ठीक है, कंट्रोल वी। और ये करता है, ये एक बूल बनाता है, चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स, अगर ऐसा होता है कि चेंज होती है तो ये कर देता है, ठीक है, और आखिर में जाके क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है चेंज हैपन। ये बात समझना, ठीक है। सो ये प्रोसीजर को मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया कि बबल अप हुआ है, अगर बबल अप हुआ है तो चेंज हैपन ट्रू रिटर्न कर देगा, ये बात समझना, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, खत्म खत्म,
वाइल एक्चुअली बबल आपका नाम रखते हैं बबलिंग, वाओ वाइल बबलिंग डन विंडेड नाइस, इट्स अ वन लाइन कोड है ना, जब तक बबलिंग हो रही है करते रहो। ये वाइल लूप कब ब्रेक होगा, जब बबलिंग रिटर्न करेगा फॉल्स, ये बात सुन रही, विंडेड लवली, ठीक है। बस एक काम करते जाए, साइज की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाए। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जब एक दफा जब चलेगा तो वो साइज तक चलना चाहिए, अगली दफा वो एक कम दफा चलना चाहिए, अगली दफा एक और कम दफा चलना चाहिए। तो यहां पे मैंने साइज माइनस वन भी कर दिया, तो हर दफा जब दोबारा चलता है तो साइज में डिक्रीमेंट होता है। एक्चुअली अब एग्जैक्टली उतना एफिशिएंट है जितना आपका एफिशिएंट पहले था। ये बात सुन, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। क्या इट्स जस्ट एलिगेंट, इट लुक मच एलिगेंट, इट्स एग्जैक्टली द सेम कोड, द ओनली थिंग इज आई लाइक दिस, आई लाइक, यू शुड नो के क्रिस्प आइडिया दिमाग में क्या है, यानी दिस इज ए मच इजियर थिंग टू रिमेंबर एज कंपेयर टू यार सॉर्टिंग के अंदर दो रेसिड लूप होते हैं, एक जो है वो पता नहीं कोई जो होता है वो एन माइनस वन दफा चलता है, एक जो है वो एन दफा से चलाता है। अगर आपने ऐसे याद किया तो आप, दिस इज ए मच इजियर वे टू रिमेंबर। जब तक बबलिंग हो रही है बबलिंग करते रहो, ये बात समझ, जैसे ही बबलिंग स्टॉप हो गई है स्टॉप, ओके, वी आर डन सॉर्टिंग। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, सारे वापस आ जाए उसी ऑर्डर में खड़े हो जाए फौरन से पहले। ऑल राइट जी, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड विच वी जस्ट डिस्कस्ड एंड द आइडिया वॉज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट, ओके, इसको मैं कॉल नहीं कर रहा, ठीक है, ये आप खुद देखते जाइएगा जी। सो व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड सिलेक्शन सॉर्ट, अगेन एक वॉइड है जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, इंटीजर अरे, इंटीजर साइज। जी मुझे ये बताएं, आपका काम है दोनों तरीकों से करना, मतलब ये कि जिस तरह हमने बबल आपका एक अलग प्रोसीजर बना दिया था, उससे पहले मैंने उसको नेस्टेड लूप से किया था, है ना, नेस्टेड लूप से किया था, यानी दोनों फॉर लूप थे, या फिर हमने एक डू लगाया था वायर, उसके अंदर एक लूप चल रहा था, ठीक है। इसके अंदर भी दो नेस्टेड लूप है, एक है जो मिनिमम सेलेक्ट करता है और एक है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको स्वैप करता है और फिर वो आगे हैसम के जो इंडेक्स है जो कि आगे चल रहे हैं, ओके, राइट। अब सवाल ये है कि सो लेट मी डू इट इन बोथ वेज, ओके, सो लेट, सो फॉर लूप यहां पे मैं लिख देता हूं, ये था हैसम इंडेक्स, और हैसम इंडेक्स कहां शुरू करता है, जीरो शुरू करता है, ठीक है, ठीक है, और कहां तक जाना है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन हाईसम इंडेक्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है, जहां पे हमने हाईसम को खड़ा किया था, ओके जी। अब हम कहते हैं हमें, मुझे रेंज में से मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, एक रेंज में से मिनिमम चाहिए जी। तो पहले तो मुझे बताया ना कि रेंज कहां से शुरू होती है, सो स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू कहां शुरू होता है, हाईसम इंडेक्स से शुरू होता है, और कहां तक जाता है, वो जाता है साइज माइनस वन तक, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा था वो हमेशा आखिरी इंडेक्स था और वो चेंज नहीं होता, ओके, तो यहां हम करते हैं साइज इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, और अब इसमें से हम मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो लेट्स से लेट मी कॉल दिस मिनिमम इंडेक्स, ठीक है, और मिनिमम इंडेक्स क्या करें मुझे बताएं। अब एक तरीका यह है कि पहले मैं करता हूं कि पहली वैल्यू को कह देता हूं मिनिमम निकालने का तरीका क्या क्या होता है, करे में से हम पहली वैल्यू कह देते हैं वो मिनिमम है और फिर हम आगे से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक मिनिमम वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू कौन सी, जो हाईसम इंडेक्स है उसकी वैल्यू, और जो मिनिमम इंडेक्स है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा एचआई के। एचआई क्यों, क्योंकि जो हाईसम जिस जगह खड़ा हुआ है उसी को मैंने कह दिया कि वही मेरा मिनिमम है, ओके, और जो मेरा लूप शुरू होता है वो एक्चुअली एचआई से शुरू नहीं होता, बल्कि कहां से शुरू होता है, एचआई प्लस वन से शुरू होता है। क्यों प्लस वन से शुरू होता है, क्योंकि पहले एलिमेंट को मैं मिनिमम कह चुका हूं, है ना, तो एक्चुअली ये एक आगे से शुरू होगा, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे,
यहां पे हम देखेंगे कि क्या जो मिनिमम है वो मेरा ग्रेटर देन है किससे, अरे के किस एलिमेंट से, एसआई एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो मिनिमम को अपडेट होना चाहिए, मिनिमम को हो जाना चाहिए बराबर ए एसआई के, और मिनिमम इंडेक्स को बराबर हो जाना चाहिए किसके, एसआई के। क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं उस वैल्यू में नहीं बल्कि उसके इंडेक्स में, क्योंकि उस इंडेक्स से हाइसम इंडेक्स वाला जो है वो स्वैप होना है। ओके, जब ये लूप खत्म होगा अंदर वाला लूप, तो मेरे पास मिनिमम इंडेक्स में क्या पड़ा होगा, जब ये अंदर वाला लूप पहली दफा खत्म होगा तो एम आई में क्या वैल्यू पड़ी होगी, अरे के उस एलिमेंट की वैल्यू पड़ी होगी जो इस रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है। ये बात समझ। और अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे स्वैप करना है। स्वैप करना किसको, अरे के हाइसम इंडेक्स को और अरे के किस इंडेक्स को, मिनिमम इंडेक्स को। ये बात समझ। एंड वी आर डन, डज इट मेक सेंस, एंड वी आर डन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये जो काम है ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है, ये मिनिमम सिलेक्ट कर रहा है किस में से, एक रेंज में। सो एक्चुअली ये काम जो मैंने नेचुरल लूप से किया है, ये एक्चुअली एक फंक्शन में हो सकता है, और उस फंक्शन का नाम रख देते इंट सेलेक्ट मिनिमम रेंज। ओके, इसको क्या पास होता है बेटा, एक अरे पास होती है, एक एस आई पास होता है, और एक ई आई पास होता है। ई आई का मतलब है यहां से लेकर यहां तक तुमने एलिमेंट ढूंढने। ठीक है, तो क्या करूं मैं, कंट्रोल वी करता हूं, यहां पे मैं कहता हूं जी स्टार्ट इंडेक्स जो है वो मेरा मिनिमम है। ओके, और मैं इसको कह देता हूं स्टार्ट इंडेक्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, बताएं मुझे, ये मेरा एंड इंडेक्स हो जाएगा, और ये मेरा होगा स्टार्ट इंडेक्स प्लस वन। मेक सेंस। और आखिर में हम बेटा क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कौन सा इंडेक्स बेटा, मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये मुझे एक रेंज में से मिनिमम लाके दे रहा है। ठीक है, और हम आगे आप देखना, मैं जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं हां जी प्लीज मुझे ना एक मिनिमम इंडेक्स ला के दे। कौन सा ला के दे, हम कहेंगे भाई सेलेक्ट मिनिमम एक रेंज में से, कौन सी, अरे की एच आई से लेकर कहां तक ला देना, साइज माइनस वन, ये है इसका एंड है। यानी इस रेंज में से मुझे मिनिमम ला दो। ओके, पहली दफा रेंज क्या होगी, एच आई क्योंकि जीरो है, जीरो से लेकर साइज माइनस वन तक। अगली दफा एच आई इंक्रीमेंट हो चुका होगा तो एच आई की वैल्यू वन होगी, तो वन से लेकर साइज माइनस वन तक आ जाएगा, और जो भी मेरा मिनिमम आता है उससे मैं उसको स्वैप कर देता हूं। ठीक है, अब सवाल यह कि किस दफा चलना है, तो एच आई शुड बी स्मॉलर देन साइज माइनस वन। वाई साइज माइनस वन, यहां साइज माइनस, यहां पर मैं, हां जी बताएं, साइज माइनस वन मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर एन वैल्यूज हैं और एन माइनस वन वैल्यूज सॉर्ट हो चुकी हुई है तो आखिरी जो है वो भी सॉर्ट हो चुकी होगी। ये बात समझ। ठीक है, इसको आप लेस देन साइज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके इसमें हमें पता है कि वो दो इंडेक्स सेम ही आएंगे और दो इंडेक्स सेम के ऊपर वो स्वैपिंग करेगा, जो डजंट मैटर। यदि दो वैल्यूज है उनके, तो एक वेरिएबल ए और ए है जो कि 10 है, और ए को ए से स्वैप कर दो तो क्या आंसर आएगा, 10 ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ऑल राइट, अब आप एक और बात देखिए, ये हमने बबल सॉर्ट स्टूपिड बनाया हुआ है। व्हाट इफ कि मैं कहूं कि ये बैटर बेटा किस में कर रहा था, असेंडिंग में कर रहा था, डिसेंडिंग में कर रहा था, असेंडिंग में कर रहा था। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बबल सॉर्ट ही करना है लेकिन ना डिसेंडिंग में करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, व्हाट चेंज आई शुड मेक, जो कंडीशन है उसमें जहां पर ग्रेटर देन लगा हुआ है उसमें हम लेस देन लगा देंगे, लेस देन लगा देंगे। लेस देन का मतलब बेसिकली क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटा एलिमेंट है वो शिफ्ट होता हुआ आगे चला जाए। ये बात समझ।
सो कौन हमारी जो अरेंजमेंट थी मुझे बताया उसमें सबसे एंड पे कौन पहुंचेगा, जो हमारे यहाँ पे लोग खड़े हुए थे सबसे सबसे एंड पे कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? मैं, क्या नाम है आपका? सारा, सबसे एंड पे सारा पहुंचेगा। ये बात समझ, सबसे पहले सारा पहुंचेगी फिर रिमशा पहुंचेगी एंड सो ऑन। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है बस। अच्छा आप देख, मजेदार बात आप बाकी देखें, और वो मजेदार बात ये है कि याद है हमने बबल शॉट लिखा था, ये मैं कर देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं डिवाइड बाय टू। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं पहले हाफ को शॉर्ट करो, और शॉर्ट करो कहां से? शॉर्ट कर दो असेंडिंग में। ठीक है, और आप देखें मैं दोबारा से अरे भेजता हूं और यहां लिखता हूं डिसेंडिंग, और यहां मैं ए नहीं लिखता बल्कि ए प्लस साइज डिवाइडेड बाय टू कर देता, और यहां पे साइज माइनस साइज डिवाइडेड बाय टू कर देता। ठीक है, ठीक है। एसेंशियली मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इस बेस एड्रेस को लो जो ए का बेस है, और हमने कहा पहला हाफ जो है उसको तुमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और ए प्लस साइज डिवाइड बाय टू का मतलब क्या है कि अब तुम्हारा जो बेस एड्रेस है वो ए नहीं है बल्कि ए से साइज बाय टू आगे चले जाओ। आगे चले जाने का मतलब क्या है कि पहला हाफ स्किप हो गया, यानी जो बेस एड्रेस पास हुआ है वो कौन सा पास हुआ है? वो हुआ है अगले हाफ के पहले वाले का एड्रेस। तो अब ए वहां पे जो रिसीव होगा वो कौन सा एड्रेस होगा? वो अगले हाफ का की जो पहली लोकेशन होगी उसका एड्रेस होगा। और हमने कहा है, और ये मैंने क्यों माइनस किया, साइज माइनस साइज बाय टू क्यों किया? ताकि आप जितने भी रह गए हैं वो उससे निकल आए। साइज माइनस साइज बाय टू बेटा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर लेट्स से एलिमेंट्स होते हैं 9, तो 9 डिवाइड बाय 2 आता है 4। ये बात समझ? तो पहले ही कॉल जाएगी 4 की, यानी पहले 4 वैल्यूज को तुम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, लेकिन जो अगली है वो 5 होनी चाहिए। क्योंकि 9 माइनस 4 कितना रह गया? 5। क्योंकि फ्रैक्शन नहीं होता ना, अरे में फ्रैक्शनल एड्रेस नहीं होते, तो आमतौर पर हम इसलिए इसका यूज करते हैं कि, और ये दोनों में काम करता है। लेट्स से अगर 10 वैल्यूज होती हैं तो 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 5, 5, 5 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो लुक एट दिस, आज को मैं चलाता हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? ये शेफ ने सवाल किया, उसको जोर से बोलो। यहां पे प्लस वन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई वजह बताए। एक मिनट, ये ना कह रहा है कोई एरर है सिलेक्शन में, कहता है कोई एरर है। अरे क्यों आ रहा बेटा, यहां क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए, इसका नाम हम आई कर देते हैं, और ये ऐसा ही हो जाएगा, और ये भी आई 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 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये अब क्यों कह रहा है? और भाई ऊपर से पास हुआ है तो क्यों कह रहा है? हाँ, क्या? हाँ नहीं, ठीक हो, ठीक हो। सो कंट्रोल F5, लुक एट दिस, लुक एट द आउटपुट प्लीज। ये देख, सो पहली टोटल वैल्यूज कितनी है इसके अंदर? 1, 2, 3, 10 वैल्यूज है। सो पहले हाफ को अगर आप देखें तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और अगर दूसरे हाफ को मैं देखूं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है। ठीक है, सो फार सो गुड। सो हमने बबल सॉर्ट कर लिया, बबल सॉर्ट असेंडिंग भी कर लिया, और डिसेंडिंग भी कर दिया, और इवन रेंज पे हमने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ओए गंदा हो। अच्छा आप मेरी बात सुनिए दोबारा गौर से। व्हाट इफ कि मैं अब इस तरह का सवाल करता हूं आपसे कि मैं चाहता हूं कि इसको क्वार्टर में डिवाइड कर दे। मतलब क्या कि मैं कहता हूं पहला क्वार्टर जो है, पहला 1/4 पहला 25% जो है उसको आपने असेंडिंग में करना है, अगले 25% को डिसेंडिंग में करना है,
फिर अगले 25% को असेंडिंग में करना है और फिर अगले 25% को डिसेंडिंग में करना है। आपको समझ में आ गई बात? कितनी फंक्शन कॉल्स जाएंगी? 4 जाएंगी। ओके, ये बात सुनाई? अच्छा, एक जरूरी बात जो भी शायद ने पूछी थी वो ये थी कि यहां पर साइज बाय 2+1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जीरो से इंडेक्स से स्टार्ट करते, तो जो लेट्स अगर एक ही अरे का साइज है, ठीक है, तो मुझे दो अरे का साइज है, तो ये कह रहा है कि ए और ये कह रहा है 1, है ना? तो 1 एलिमेंट का मतलब क्या कि एक्चुअली मैं ए 0 जो मेरा है वही वहीं पर ही रहना है, है ना? और जो ये एलिमेंट होगा वो ए प्लस 1 हो जाएगा, जो कि एक्चुअली अगले वाले का एड्रेस होगा। ये बात समझ? तो एक्चुअली क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो हम जब वहां पे साइज बाय 2 भेज रहे हैं तो जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से साइज बाय 2-1 तक जाएगी। ये बात समझ? तो इसलिए हम जो अगला एड्रेस शुरू करेंगे वो उसमें इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अरे आपने पहले में भेजी है ए से साइज बाय 2 तक, वो ए से साइज बाय 2 तक नहीं जाता बल्कि ए से साइज बाय 2-1 तक जाता है, ठीक है? और ये साइज बाय 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है? यार मैसम और आयशा, अगर आप लोग मोबाइल या लैपटॉप यूज करना चाहते हैं आप जाएं बाहर। ठीक है, सो फार सो गुड। ऑलराइट, अब मेरी बात सुने गौर से। व्हाट इफ कि मैं आपसे एक सवाल करूं, और ये एक और शॉर्ट है जो हमें लिखना है, ठीक है? और एक्चुअली हम जो लिखेंगे वो ये नहीं होगा, वो कुछ और होगा, लेकिन लेट मी टॉक अबाउट दैट। मैंने शॉर्ट असेंडिंग ही लिखना है, ठीक है? और मैं बता रहा स्टूपिड लिख रहा हूं, आपने तीनों लिखने, ठीक है? तीनों का मतलब है कि वो यानी वो डू वाइल वाला भी और डू वाइल नेस्टेड लूप वाला भी और वो बबल अप वाला भी, ठीक है? तो व्हाट इफ मैं कहूं सिर्फ इवन इंडेक्सेस को, यानी 0, 2, 4 आगे 6 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, इवन इंडेक्सेस को आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है और ऑड इंडेक्सेस को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। सवाल समझ में आ गया? ये बात समझ? सवाल मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे का आपको बेस एड्रेस दिया हुआ है और आपको कहा गया कि भाई आप एक काम करें, क्या काम करें कि आपने इवन इंडेक्सेस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है और ऑड इंडेक्सेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, तो यह देखा जी, मैं यहां पर एक शॉर्ट असेंडिंग लिख रहा हूं और इसको मैं इवन करता हूं, ठीक है? और एक और बना लेते नाम और जो रखते, और इसका नाम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए डिसेंडिंग, ठीक है? आई डोंट लाइक इट, लेट मी टेल यू व्हाई। ये मेरा इवन असेंडिंग है जो इवन इंडेक्सेस को देखेगा। अब इवन इंडेक्स को देखने का मतलब क्या है कि जो इंडेक्स हमारे शुरू होंगे, जो कंपैरिजन होना चाहिए वो i+1 से होना चाहिए, i+2 से होना चाहिए। ये बात समझ? क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो जीरो से कंपेयर नहीं होगा, वो 2 से कंपेयर होगा जाके। ये बात समझ? अब एक और बात बताएं, जब ये अगले में जाएगा तो अगला लीगल एड्रेस 1 है या 2 है? इवन इंडेक्स पर जंप कर रहा है ना उसने, तो पहला इंडेक्स आपका 0 था, तो अगला इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो एक्चुअली यहां पे ++ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? +=2 होना चाहिए। ओ सॉरी सॉरी, कैच करना था भाई, रियली सॉरी। अच्छा जी बताएं, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया कि मैंने 0 को कंपेयर किया है किसके साथ? 2 के साथ, और 2 को कंपेयर किया किसके साथ? 4 के साथ। सॉरी मेरा मतलब आगे जी ना था, कैच करो भाई तुम, ठीक है? अच्छा, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? आप मुझे एक बात बताएं, यही काम मुझे ऑड के लिए करना पड़ेगा, है ना? तो ऑड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं मुझे? 1 से स्टार्ट करेंगे,
वन से स्टार्ट करेंगे और प्लस इक्वल टू टू करेंगे और यहां पर प्लस टू करेंगे और यहां पर भी प्लस टू करेंगे। भाई ये आपने नहीं करवाया मुझे। और एक और बात बताऊं, एक और चीज भी गलत हो रही है। क्या गलत हो रही है बताएं मुझे। अब आई का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? आई प्लस टू के साथ हो रहा है, लेकिन यहां पर कंडीशन कौन सी लगी हुई है? आई प्लस वन लगी हुई। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन होनी चाहिए आई प्लस प्लस टू। डज इट मेक सेंस? हाँ, और नीचे मिशन होगा, ठीक है? एंड आई डोंट लाइक इट। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे ये पसंद नहीं आई बात, ठीक है? एक्चुअली मैं लेट मी डू दिस, लेट मी चेंज दिस प्रोसीजर टू समथिंग एल्स, ओके? और वो ये है कि ये तो मैं इवन इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ ना, ऑड इंडेक्स कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? बाद में इसके ऊपर हम कॉल करके काम कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसको अब आप इसको कॉल करें, चेक करें कि इवन इंडेक्स को असेंडिंग में कर रहा हूँ और ऑड इंडेक्स को डिसेंडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है? बट आई डोंट लाइक इट, ओके? व्हाई आई डोंट लाइक इट? क्योंकि मैं ये कहूंगा, व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैं इवन इंडेक्स को नहीं देखना बल्कि थ्री के मल्टीपल्स को देखना, व्हाट इफ मैं कहूं फोर के मल्टीपल्स को देखना, यानी पहला इंडेक्स मेरा वन है, दूसरा इंडेक्स मेरा फाइव है, ये बात समझ? इन 0 5 10 114 यार, ठीक है? ये बात समझ? क्या करें? सो व्हाट इफ के हमें काम करें, इसको हम कहते हैं इवन रॉड को हम उठा के बाहर फेंकते हैं और हम कहते हैं कि काम करो एक वेरिएबल लेवल चला लो गैप, कि गैप कितने का रखना है या जंप कितने का रखना है। ये बात समझ? मतलब ये कि पहला इंडेक्स मेरा 0 है लेकिन जो दूसरा इंडेक्स है वो मेरा क्या है? वो मेरा 0 प्लस गैप पे पड़ा हुआ है। ये बात समझ आई? सो व्हाट चेंजेस आई शुड मेक? जहां जहां मैंने यहां पे 2 लिखा है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाए? यहां पे गैप हो जाए, तो यहां पे हो जाएगा ये प्लस गैप और यहां पे हो जाएगा प्लस गैप और यहां हो जाएगा प्लस गैप, यहां हो जाएगा प्लस गैप। ये बात समझ आई? सॉरी, अच्छा मेरी बात सुने। एक काम हम और कर देते हैं और उससे हमारा पूरा मामला ही सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे यहां पे ये और भी हटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं फॉरवर्ड सेंडिंग और ये जनरल है और जनरल का मतलब क्या है? मैं इसकी इज इक्वल टू वैल्यू 1 रख देता हूं। इज इक्वल टू वैल्यू 1 का मतलब क्या है? कि अगर मैं गैप नहीं भेजूंगा तो वो एक के डिस्टेंस से चेक करेगा। ये बात सुने? और अगर मैं भेजना चाहूंगा तो आप भेज सकते हैं, ठीक है? यहां पे भी मैं यही काम करता हूं। यहां पे मैं इंटीजर गैप लिख देता हूं और इसको इज इक्वल टू 1 कर देता हूं, ठीक है? और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे प्लस 2 की जगह मैं यहां प्लस गैप कर दूंगा, यहां पे भी प्लस इक्वल टू उसकी जगह गैप कर दूंगा और यहां पे भी प्लस 2 की जगह गैप कर दूंगा। एक गलती अभी भी पड़ी है, गलती तो नहीं है क्या, कि नंबर ऑफ टाइम्स माय लूप इज एग्जीक्यूटिंग That is now shrink. क्यों shrink? हाँ, क्योंकि हम जंप लेते हुए जा रहे हैं तो एक्चुअली वो अब साइज दफा नहीं चलना उसको चलाना, तो एक्चुअली जो मेरे ख्याल में इसको हो जाना चाहिए इक्वल टू साइज डिवाइडेड बाय गैप। मेरा ख्याल है ये चल जाएगा, बट आई डोंट नो, जस्ट गो टेस्ट इट, ठीक है? मेरे ख्याल में से चल जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, मेरी बात सुने गौर से और बात सुने गौर से इस तरह से कि अगर मैं आपको कहूं कि ये जो गैप है इसके साथ मैं एक और पैरामीटर भी भेजता हूं, वो है स्टार्ट इंडेक्स। और बाय द वे इसकी स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 0 है। क्या मतलब है? कि जनरली मैंने बना दिया है कि इस इंडेक्स से तुमने स्टार्ट करना है। ये बात समझ आई? यानी कि स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स, ओके? जिसका मतलब है कि ये जो स्टार्ट होना है इसका, वो 0 से स्टार्ट नहीं होना, वो कहां स्टार्ट होना है? वो वैसा ऐसे स्टार्ट होना। ये बात समझ? और ये भी आपका क्या 1 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा। एक्चुअली जो हमने फंक्शन बनाया वो इवन ऑड वाला है, बनाया ही नहीं। अब आया यहां पर क्यों नहीं आ रहा? यहां पर हमने इंटीजर एसा इज इक्वल टू 0 पास नहीं किया, ठीक है? सो अब हमने जो फंक्शन बना दिए वो बिल्कुल जेनेरिक है। हम कहते हैं भाई ये कैसा है, इंडेक्स शुरू करो। अब वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। और हमने कहा भाई गैप लो किसका, 1 का, या गैप लो 2 का, या गैप लो 3 का, जितना भी गैप लेना आप लो। ये बात समझ? अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने ये मैंने फंक्शन बना दिए
इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या? सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये मेरी अरे है और मैं कहता हूं पहले हाफ को, पहले हाफ के इवन इंडेक्सेस को आपने क्या करना है? असेंडिंग में करना है, ठीक है? तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, असेंडिंग जी, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कहां तक जाए, गैप कितने का हो, गैप टू को। तो एसेंशियली व्हाट इज दिस फंक्शन टेलिंग मी, इट इज टेलिंग मी कि पहले हाफ को जीरो से शुरू करना, यानी इवन इंडेक्स से शुरू करना, ठीक है? और क्या क्या करना है आपने, आपने टू टू के गैप से असेंडिंग में करना, ठीक है? फिर मैं क्या करता हूं, दोबारा से यही काम करता हूं, और अब मैं कहता हूं एक काम कर, और इंडेक्स करने में, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वन, ओके, एंड आई विल से कि डिसेंडिंग करना है तुमने और तुमने दो दो का गैप लेना है, ये बात समझ गई? और अब अगले हाफ के बारे में आई हैव टू बी केयरफुल, क्यों? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई आई नीड टू बी केयरफुल? ये देखे, ये बात है, अभी तक जो मैंने ये काम किया है, ये काम का मतलब है फर्स्ट हाफ पे प्रोसेसिंग की है हमने, ठीक है? और इसके इवंस असेंडिंग में किए, और इसके और जो है वो हमने किसमें किए, डिसेंडिंग में किए। अब हम उल्टा करना चाहते हैं, क्या मतलब बताएं मुझे? अब अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात है, और वहां से ना मामला काफी डिफरेंट हो जाएगा जी। डू यू अग्री कि एक दफा डिसेंडिंग होना है और एक दफा असेंडिंग होना है ना? और हमारा जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो तो हमारा यही है, ये बस नहीं, लेकिन मसला ये है कि आप की जो पहली इंडेक्स है वो इवन भी हो सकती है और वो ऑड भी हो सकती है, ये बात समझ में? क्योंकि यहां पर मसला नहीं था, यहां पर आपको एग्जैक्टली पता था कि वो इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है ना? ये समझ में आई मेरी बात? समझ में नहीं आई? यहां पे वो हमें पता है कि हमेशा ए जीरो हमेशा क्या होता है, वो हमारा इवन होता है। तो ये हमें पता है कि हम पहली कॉल इवन ही करेंगे और फिर दूसरी कॉल ऑड ही करेंगे। मसला ये है कि जब अगली दफा ये शुरू होगा, जब अगले हाफ के लिए कॉल करनी हो, हमें नहीं पता वो इवन से शुरू हो रही है या ऑड से शुरू हो रही है, ये बात है ना? और अगर इवन से शुरू हो रही है तो हमें ऐसे ही कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऑड से शुरू हो रही है तो हमें फ्लिप ऑर्डर में कॉल करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, लेट्स से ए, मेरी टोटल अरे जो है वो 20 साइज की है, ठीक है? तो पहले के इंडेक्सेस होंगे जीरो से लेकर कहां तक, 9 तक, है ना? और जो अगले के इंडेक्सेस होंगे वो शुरू होंगे 9th इंडेक्स से कहां तक, 19 तक, ये बात समझ आती है? और लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10 साइज की अरे है, अब क्या होगा? पहले के इंडेक्सेस होंगे जीरो से लेकर 4 तक, ठीक है? और अगले के इंडेक्स क्या होंगे, वो 5, गलत हो गया, पहले वाले जो थे उसके केस के अंदर मैं 0 से लेकर 9 तक जाता हूं और अगले में 10 से लेकर 19 तक जाता हूं, तो दोनों के इवन से शुरू हो रहे है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर क्या, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा एक की 0 से 4 तक जा रहे और फिर 5 से कहां तक जा रहे, 9 तक जा। तो यहां पर आपको एक्चुअली एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगले पार्ट जो है वो इवन से शुरू हो रहा है या ऑड से शुरू हो रहा है, और उसकी बेस पे आपने यहां पे कॉल्स करनी, ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और ये काम मैंने किताब में किया हुआ है, ठीक है? सो रीड द बुक, ठीक है? ये इसमें बड़े खूबसूरती से ये बात समझाई हुई है, ओके? ये जो मैंने मुश्किल वाला काम था आपको बता दिया कि क्या मुश्किल वाला काम था, वो ये वाला मुश्किल वाला काम था कि ये बेस एड्रेसेस को चेंज कर देना, है ना? बेस एड्रेसेस को चेंज कर देना, ओके? ठीक है? बेटा इसी को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, और वो ये कि देखिए ये बेस एड्रेस चेंज हो रहे थे ना, व्हाट इफ के बेस एड्रेस हम चेंज ना करें, हम सिर्फ ये जो ये वाला पैरामीटर नहीं पास स्टार्ट इंडेक्स, इससे प्ले अराउंड करें। क्या मतलब कि पहले वाला जो पार्ट है वो जीरो से शुरू होता है या वन से शुरू होता है, लेकिन जो अगला वाले पार्ट की कॉल है वो हम शुरू ही कहां से करें,
उसका जो स्टार्ट इंडेक्स दे वो क्या दे, वो साइज, यहां पर हम साइज डिवाइड बाय 2 दे दें और साइज डिवाइड बाय 2+1 दे दें तो अगला पार्ट दे दें। प्लीज रीड द बुक, उसके अंदर ये दोनों के दोनों एक पार्ट एनिमेशन के साथ समझाए हुए, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ योर लैब, और ये चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, इससे प्ले अराउंड करना आपको अच्छी तरह से आना, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।